राखी आई खुशियाँ लाई, बहन आज भूले न समाई, राखी रोली और मिठाई इन सब से थाली खूब सजाई। राखी का त्योहार आ गया है और घरों में खुशियों का माहौल छा गया है। नमस्कार, मैं हूँ संपदा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। आज हम हैं मेरठ के सेंट्रल मार्केट में। हम अपने शो की शुरुआत करेंगे एक मीठे से, क्योंकि मिठाई से ही दिन की शुरुआत होनी चाहिए। इसी तरह हम अपने शो की भी शुरुआत एक मिठाई से करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कैलाश डेयरी के मालिक से। चलिए चलते हैं उनसे और बात करते हैं कि इन्होंने इस बार रक्षाबंधन के लिए क्या क्या नया किया है। राखी आ गई है तो इस बार आपने मिठाइयों में मतलब क्या नया लाया है, या रक्षाबंधन आ गई है तो क्या इस बार नया है? इस बार हमने जितनी मिठाइयाँ बनवा रहे हैं बड़ा विशेष ध्यान रखने फूड के संबंध में, किसी को कोई फूड पॉइजन ना हो जाए, कोई बात ना हो, विशेष ध्यान रखते हुए हर चीज़ बिल्कुल शुद्धता से बनवा रहे हैं। कलर जितने भी लग रहे हैं सब बिल्कुल फूड वाले कलर लग रहे हैं, जिससे कि किसी को इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि ये हमारे बच्चे भी मिठाइयाँ खाते हैं। हम काफ़ी समय से केवल इन्फेक्शन की वजह से कोई मामला ख़राब ना हो बड़ा ध्यान देकर मिठाई बनवा रहे हैं। दूध जितना भी है हमारा सब जो है वो अपनी भैंसों का दूध लेते हैं, हम बाहर का दूध नहीं लेते हैं, क्योंकि सिंथेटिक दूध की मरवार बाज़ार में है और हम किसी भी कीमत पर ख़राब दूध नहीं लेंगे। मावा भी हम अपना बनाते हैं, घेवर बहुत बढ़िया बन रहे हैं हमारे यहाँ, गुंजियाँ बन रही हैं, काजू बर्फी बन रही है, और आपका जो है नमकीन बन रही है। गिफ्ट पैकिंग की टोकरियाँ बनवाई हैं जिससे कि घर घर में बहने जाती हैं, कोई ना कोई नयापन होना चाहिए। लड्डू ड्राई फ्रूट लड्डू बन रहे हैं, टोकरियाँ इतनी बढ़िया बनवाई हैं कम रेटों में कि जो बहने बिटिया लेने आए उनको महंगे ना लगें बिल्कुल भी। काजू बर्फी है हो गई हमारी, रसमलाई हो गई, स्पंजी रसगुल्ला हो गया, एक मिठाई जो है हमारी कराची हलवा बहुत बढ़िया बन रहा है। जितनी भी आइटम बन रही हैं सब बहुत बढ़िया बन रही है। फ्रूट क्रीम है, कुल्फी हम 5-6 तरह की बनवाते हैं जो पूरे मेरठ में कहीं और नहीं मिलेंगी, जो 8 घंटे हंडिया में दूध उबलता है उसका नाम भी हमने कुल्फी का बदनाम कुल्फी रखा है। और जो है हम चाहते हैं कि भाई हमारी सोच अच्छी बनी रहे, सब लोग हमें पहने जो मिठाई लेके जाएंगे वो आशीर्वाद भी देंगी जब अच्छी आइटम होगा, और लोग उसको जो है सराहेंगे कि भाई हमारी बहन अच्छी आइटम लेके आई है, उससे जो है वो लोग भी हमारे यहाँ मिठाई लेने आएंगे। धन्यवाद। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, ठीक है लेकिन आपकी भी तो कोई बहन होगी, आप उनको क्या देंगे? मैं अपने यहाँ की बनी हुई मिठाई ही खिलाऊंगा उनको, क्योंकि जो है उससे शुद्ध, हमें पता है कि हमारी मिठाइयाँ शुद्ध है तो वो हमारे यहाँ की मिठाइयाँ ही खाती हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि राखी का त्यौहार आ गया है, मार्केट पूरा इस वक्त सजा हुआ है, हर तरह की राखियाँ मिल रही हैं, छोटे बच्चों से लेके बड़ों के लिए भी यहाँ पे राखी अवेलेबल है, सोन भी है यहाँ पे। और अभी हम करेंगे बच्चे से बात कि वो इस वक्त राखी के लिए क्या क्या तैयारियाँ कर रहा है। बेटा आपका नाम? जैद। आपकी बहन भी है साथ में? यस। ठीक है, तो आप इस वक्त आप क्या करेंगे बहन को, मतलब क्या गिफ्ट देंगे इस बार राखी पे? ड्रेस। ड्रेस देंगे, अच्छा। और क्या, और क्या स्पेशल इस बार? मनीष। अच्छा, आपका नाम? मुस्कान। आप क्या दे रही है अपने भाई को राखी के अलावा? राखी के अलावा गिफ्ट दूंगी, वो मेरा सरप्राइज है। अच्छा, जैसे आप दोनों भाई बहन इस वक्त साथ में हैं तो कोई मैसेज, क्योंकि सामने तो आपको सब झगड़ते ही हैं, आप हमेशा झगड़ते ही होंगे या प्यार से भी रहते होंगे, लेकिन इस वक्त राखी का त्यौहार है, इस वक्त आप लोग अपना प्यार जताइए, आप अपने भाई को क्या कहना चाहेंगे? ये मुझे हर बार मारते रहते हैं, मैं क्या बोलूँ इसे? कुछ अलग इस बार। अच्छा, आप क्या कहेंगे? नथिंग। आप भी बस बहन से लड़ना ही है और कुछ नहीं, प्यार नहीं करते? तो जैसे राखी का त्यौहार आ गया है, आप सभी भी बहुत एक्साइटेड होंगे अपने भाई को राखी बांधने के लिए, तो कुछ तैयार किया है मतलब भाई के लिए कुछ अलग इस बार तैयार किया है? मैंने एक बॉक्स डेकोरेट किया है, उसमें बहुत सारी स्वीट्स हैं। आप बहुत अलग अलग गिफ्ट्स लेके आए हैं भाई के लिए? मैंने भाई के लिए थाल सजाया है जिसमें टीका वगैरह सब कुछ, सारी मिठाइयाँ, पूरी थाल डेकोरेट करके उनको फिर राखी बांधूंगी। मिठाइयाँ उनके लिए चॉकलेट्स बना के लेके जानी है, और बहुत कुछ गिफ्ट्स वगैरह उनके लिए, और बहुत सारे गिफ्ट्स भी मांगे हैं। अच्छा, कुछ स्पेशल इस बार? स्पेशल एज सच बस उनके लिए स्वीट्स बना के खुद लेके जाऊंगी, इसलिए खुद से ही सब कुछ करा है, सब कुछ हैंडमेड। मतलब बस राखी पहले सोचा था खुद बनाने की, बट राखियाँ इतनी ज़्यादा हैं सब कुछ, तो सही है, हैंडमेड चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अच्छा, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने भाई को? हाँ, मेरा भाई बहुत अच्छा है, वो मुझसे बहुत लड़ता है, बट स्टिल आई लव हिम। मेरा भाई भी बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत लड़ता है, बट केयर भी बहुत करता है। होते ही हैं भाई ऐसे, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और बट सबसे ज़्यादा प्यार हमसे ही करता है। बोलिए तो सच का है। अच्छा, कुछ एक्सपेक्ट करती है आप अपने भाई से कि वो आपको क्या देंगे इस बार राखी पे?
या कुछ स्पेशल उनसे बोलते हैं, मतलब हमें ना हमसे लड़ा कम करे, पर सबसे ज़्यादा चीज़ वही करते हैं, सबसे ज़्यादा यही होता है बस। तो मेरा भाई तो वो दे देगा जो मैं मांगूंगी, बट मे बी ही विल बी प्लानिंग समथिंग वेरी स्पेशल। तो मतलब लड़ते हैं आपके भाई भी आप सबसे। चलिए इस बार लेकिन राखी पे लड़ना नहीं है, प्यार जताना है, क्योंकि प्यार का त्यौहार है। तो जैसे राखी का त्यौहार आ गया है, आप भी बहुत एक्साइटेड होंगी अपने भाई को राखी बांधने के लिए, तो आपने क्या क्या तैयारियाँ की हैं? बस तैयारियों में लगे ही रहे हैं, और अभी भी हुई नहीं है, आज बारिश बहुत हो रही है और थोड़ी बहुत रह गई है, काफ़ी कुछ हो भी गया है। अच्छा, तो मतलब भाई के लिए कोई ऐसा सरप्राइज तैयार किया है फिलहाल? अभी रह गया है, करते करते चार भाई है, थोड़ी हो पाई है, थोड़ी रह गई है। अच्छा, सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है भाई? सारे भाई प्यार करते हैं। अच्छा, तो मतलब उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप? हाँ, वो जब भी मुझे उनकी ज़रूरत पड़े वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहें, और भगवान ना करे कभी मुझे उनकी ज़रूरत पड़े, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश रहूँगी। अभी मैम हमारे साथ है, उनसे जानते हैं कि उन्होंने अपने भाई के लिए राखी पे क्या क्या तैयारियाँ की हैं। वैसे तो रक्षाबंधन हर साल ही आता है, लेकिन इस साल मैंने उसके लिए स्पेशल तैयारी करी है, उसकी फेवरेट डिशेस तैयार करने की सोच रही हूँ, और थोड़ा सा स्पेशल एक गिफ्ट देना तैयार किया है जो उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। और कोई मैसेज देना चाहती है आप अपने भाई के लिए? हाँ, मैं अपने भाई से चाहती हूँ कि वो हमेशा इस तरह से राखी पे खुश रहें, हम इस तरह से राखी हमेशा मनाते रहें हर साल। अच्छा, जैसे छोटे भाई बहन तो लड़ते ही हैं, आप भी लड़ती हैं अपने भाई से? हाँ, क्यों नहीं, वो मेरे से छोटा है लेकिन फिर भी लड़ाई होती है, और प्यार भी बहुत है। जी, प्यार भी बहुत है। चलिए शॉप के मालिक से भी जानते हैं कि इस बार क्या कुछ नया आया है राखी पे। इस बार काफ़ी अच्छी वैरायटियाँ हैं, बड़ों की, बच्चों की, और बहुत सारे सोनों की वैरायटियाँ, थाल आए हुए हैं बाजार के अंदर, काफ़ी लोग खरीदारी कर रहे हैं रक्षाबंधन पर, और हर साल से ज़्यादा ही वैरायटी हमारे पास इस समय उपलब्ध है। सभी तरह के लोग आ रहे हैं, आज मौसम थोड़ा ख़राब होने की वजह से लोग थोड़ा कम दिखाई दे रहे हैं, सुबह से ही मौसम ख़राब है लेकिन काम अच्छा रहेगा, अब शाम होती आ रही है, लोग निकलने शुरू हो चुके हैं। अच्छा, किस तरह की मतलब नई राखियाँ क्या आई है इस बार? इस बार बच्चों के कार्टून ज़्यादा चल रहे हैं, और चांदी की राखियाँ आ रही हैं, काफ़ी गोल्डन कलर की राखियाँ, बहुत अच्छी अच्छी राखियाँ हमारे पास। तो सर, जैसे आप देख रहे हैं कि न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं, मतलब माहौल चेंज होता जा रहा है, ट्रेडिशन चेंज होते जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि फेस्टिवल्स में भी कोई चेंज आ रहा है? जैसे भाई दूर, मतलब भाई दूर रहता है तो बहन उनको राखी पोस्ट कर देती है, तो उस राखी पोस्ट करके राखी बांधने में और खुद जाके राखी बांधने में फ़र्क होता है, आपको क्या लगता है कि वो चीज़ सही है या गलत है? मेरा नाम महिपाल सिंह मलिक है, महामंत्री सेंट्रल मार्केट। और जो आपने क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें जो आजकल नया दौर है, जैसे बहनें राखियाँ भेजती हैं और भैयों को, और पिछली बार जो हमारी बेटी अमेरिका में है, टेक्सास में, उसने भी अपने भाई के लिए राखी भेजी थी, और बहुत सुंदर राखी भेजी थी, ट्रे वगैरह सब उसमें, सब गोली वगैरह वो सब जो राखी में जो बहनें एक ट्रे बना के सुंदर सी जो करती है, वो सारा उसी तरह से भेजी थी उसने, और हमें बहुत अच्छा लगा था, और हम तो इस चीज़ को पसंद करते हैं, बहुत अच्छा है। तो मतलब आप मानते हैं कि फेस्टिवल्स में चेंजेस आ रहे हैं पहले के मुताबिक? बिल्कुल, चेंजेस आ रहे हैं, अच्छे चेंजेस हैं, अच्छा लगता है। चेंजेस अच्छे भी हैं लेकिन कुछ कुछ बुरे भी हैं, क्योंकि सामने से राखी बांधना अलग होता है, लेकिन हाँ, दूर से भी हम प्यार बांट सकते हैं, ये आपका कहना है? हाँ बिल्कुल, जो दूर हैं तो देखोगे तो दूर से ही जो अपनी जो रस्म है वे निभा रहे हैं, और नज़दीक से तो खैर जो परंपरा पहले ही चले आ रही है वो तो अच्छी है। भाई बहन का ये त्यौहार होता है, बहन भी इस दिन का बहुत इंतज़ार करती है और भाई भी इस दिन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ आप सभी को, फर्स्ट बाइट की ओर से बहुत सारी राखी की शुभकामनाएं। मैं संपदा, कैमरामैन अभिषेक के साथ, नमस्कार।